हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इट्स कृपाल सिंह, योर अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. फ्रॉम दिस चैप्टर यस्टरडे वी हैव सॉल्व अराउंड 3-4 क्वेश्चंस यस्टरडे. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ओके, एंड 13. सो ओपन योर चैप्टर इन योर बुक्स एंड कॉपीज. So first of all, I will show you question number 9. I will explain. Then after that, I will show you the solution. I will explain the solution. Okay. So along with me, whenever I am explaining, you have to note down all the solutions also. ठीक है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप सुनते रहिए, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा. सो क्वेश्चन नंबर 9, what is saying? Open in your books. अगर books नहीं है तो you can see on the screen also. The passbook of Mr. Mohit current account showed a credit balance of 20,000. देखिए, अब पासबुक अकॉर्डिंग है, अब जो भी आइटम आपके प्लस वाले कैश बुक अकॉर्डिंग थे, दैट ऑल विल बी ट्रीटेड एज माइनस, और जो माइनस वाले थे वो प्लस माने मांगे जाएंगे. ठीक है, सो फॉर्मेट फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अ चेक ऑफ 400 ड्रॉन हिज सेविंग अकाउंट एज ऑन करंट अकाउंट. ठीक है, 400 ड्रॉन करा गया था. ठीक है, तो माइनस का आइटम हुआ, पर पासबुक अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ही हैड इशूड 2 चेक 300, 500 ऑन 25th दिसंबर, बट ओनली द 1 चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ठीक है, फर्स्ट चेक देखिए 300 का हुआ, तो 500 का नहीं चेक इशूड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. आपका प्लस का आइटम था कैश बुक के अकॉर्डिंग, पासबुक से बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. 1 चेक इशूड 2500 ऑन दिसंबर 25, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वेर इट इज टू रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ट्वाइस. ठीक है, अब ये दो बार लिख दिया गया, तो माइनस होना था, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा. चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्या करा गया सॉल्यूशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट, बना लीजिए मेंशन हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मोहित करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2005. ओके, आफ्टर दैट फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर प्लस अमाउंट और फिर माइनस अमाउंट. ठीक है, एंड राइट बैलेंस एज पर पासबुक 20,000. ठीक है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, कैश बुक से होता तो माइनस में लिख देते. ठीक है, और है पासबुक के अकॉर्डिंग, इसलिए कहाँ लिखा जाएगा, प्लस में. ओके, आगे बढ़ते हैं. सी, चेक इशू फ्रॉम सेविंग अकाउंट अकॉर्डिंगली रॉन्गली डेबिटेड इन करंट अकाउंट ऑफ द पासबुक. मैंने क्या कहा, रॉन्गली हो गया था ना, तो कैश बुक होती तो ये हम लोग प्लस करते, माइनस करते. अब है पासबुक, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा. आफ्टर दैट चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देखिए, प्लस का आइटम है ना कैश बुक अकॉर्डिंग, कल की वीडियो में मैंने समझाया था, बट हेयर वी आर प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, पासबुक, सो वी हैव टू राइट इट इन द माइनस साइड. फिर कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर अ पेमेंट, 25 दिसंबर को ही 500 रुपये का चेक था, ट्वाइस क्रेडिटेड इन द कैश बुक. ठीक है, दो बार कैश बुक में क्रेडिट हुआ गया. ठीक है, तो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, बात आ गई फिर से भाई प्लस का है, दो बार चेक लगा तो प्लस प्लस क्या होगा, दो बार माइनस हो जाएगा, दो बार वैसे प्लस करते तो माइनस कर देंगे. सो टोटल बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए डेबिट का आएगा आपका 20,400, अब माइनस का 1500 माइनस कर देंगे, तो 18,400 रुपये बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा. ठीक है, पासबुक से शुरुआत हुई है, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा. तो देखिए यहाँ पे इट इज़ नॉट गिवन वेदर द करंट अकाउंट ऑफ पासबुक और द करंट अकाउंट ऑफ कैश बुक, तो हम लोगों को क्या मान लेना है कि करंट अकाउंट किसका था, वो पासबुक का ही था. ठीक है, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग, ऑन जनवरी 2005 राकेश हैड ओवरड्राफ्ट. देखिए, अब ओवरड्राफ्ट की बात आ गई कैश बुक में, तो ओवरड्राफ्ट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, तो ये आपका माइनस में जाएगा. अब एज पर कैश बुक है, शोन इन हिज कैश बुक है, तो अब यहाँ पे कैश बुक से क्वेश्चन लगेगा. अब जो पिछले क्वेश्चन में प्लस वाले थे वो माइनस के होंगे यहाँ पे. ठीक है, चेक अमाउंटेड टू 2000 हैड बीन पेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय ए बैंक. ठीक है, अब उसने तो चेक पेमेंट कर दी पर बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं हुआ, तो जब बैंक के द्वारा कलेक्ट होगा तो माइनस तो हो जाएगा ना, जब क्लियर होगा भाई आपने किसी को कर्ज़ा दे दिया, कर्ज़ा वगैरह तुमने नहीं दिया, उसने माइनस नहीं करा, जो माइनस करेगा तो अपने आप ही कम हो जाएगा. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ, इसलिए माइनस में आ जाएगा. आफ्टर दैट ही इशूड चेक ऑफ 800 वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक. ठीक है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, कैश बुक के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो जब पेमेंट के लिए आएगा तो हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, तो कैश बुक में प्लस हो जाएगा. ठीक है, इसलिए प्लस कर दिया गया. आगे कह रहा है
देयर वॉज अ डेबिट बैलेंसेस ऑफ 60 रुपीज़ इंटरेस्ट एंड 100 फॉर बैंक चार्जेस। भी आपके खाते से पैसा कट गया, ठीक है, तो पासबुक ने माइनस बैंक में उसने पैसे काट लिए, अब आपकी कैशबुक अपडेट ही नहीं है, जब आप चेक करोगे पैसे कटे तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए 60 और 100 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सम करेंगे तो आपका आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक था ना माइनस का सारा, अब सारा माइनस का जो है यहाँ पे रहेगा वही, पर आपको लिखना होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 9360, क्योंकि देखिए माइनस की साइड ज़्यादा होगी, डेबिट की कम है, 10160 है, 800 माइनस कर दीजिए, इट विल बी 9360, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसको पॉज करिए और पॉज कर रहा करो और नोट करा करो, फिर आगे बढ़ा करो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ओवरड्राफ्ट शोन एज पर कैशबुक इज 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। बैंक चार्जेस, अब देखिए कैशबुक से लगा रहे हो आप तो प्लस वाले प्लस रहेंगे, माइनस माइनस वाले माइनस रहेंगे, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फॉर द अबव पीरियड वाज डेबिटेड इन द पासबुक 100 रुपये, ठीक है, बैंक चार्जेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है बैंक ने काटे, आपकी कैशबुक भी माइनस हो जाएगी, माइनस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ डेबिटेड इन द पासबुक, अब तो कैशबुक भी माइनस करनी पड़ेगी, भी कर्जे पे ब्याज लग रहा है, माइनस ही होगा। चेक इशू बट नॉट इन कैश, इन कैश नहीं हुआ यानी कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो दिस विल बी प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम है, ठीक है, प्लस हो जाएगा। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है, पेड इनटू बैंक है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, टेन थाउजेंड आपका ओवरड्राफ्ट था लिख दिया, 100 ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लग गया, बैंक चार्जेस 100 सॉरी ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट इतना आ गया। अब चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट प्लस हो गया, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ गया, मैंने कहा था ना प्लस हो जाएगा। अब चेक डिपॉजिट कर दिया गया बट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो जब क्लियर हो जाएगा तो आपने तो कैशबुक माइनस कर दी ना, तो बैंक में पासबुक भी क्या होगी, माइनस हो जाएगी अपने आप ही। ओके, पैसा आपने बैंक में किसी का दे दिया, कर्जा कम हो जाएगा जब स्टेटमेंट हो जाएगा, सेम 1100 इज रिटन एज माइनस। ओके, सो हियर ऑलरेडी देयर वाज ओवरड्राफ्ट 10,000, तो टोटल ओवरड्राफ्ट कितना हो रहा है 11,580, उसमें से आप डेबिट माइनस कर दीजिए, सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना बनेगा 8,830। आप ओवर कैशबुक से स्टार्ट करेंगे तो क्लोज पासबुक से करना होगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर विच क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज सेइंग कुमार फाइंड द बैंक बैलेंस शोन एज इज कैशबुक 90,600, ठीक है। अब ये देखिए क्रेडिट बैलेंस शो करा है इसने, ठीक है, सो अ चेक ऑफ 1,000 डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस का हो गया, चेक ऑफ 8,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सेम फिर से प्लस का, चेक टोटलिंग 1,500 डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड माइनस हो जाएगा, चेक 15,000 हैज़ बिन डिसऑनर, तो कैशबुक से ही तो शुरुआत कर रहे हैं तो माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए देखता हूँ सॉल्यूशन क्या है। ओवरड्राफ्ट एज पर देखिए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपका तो वो ओवरड्राफ्ट ही माना जाएगा, ठीक है, मैंने बोला था ना आपको, सो वी हैव टू राइट ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 90,600, चेक डेबिटेड बट नॉट येट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है, डेबिट कर दिया गया था बट डिपॉजिट नहीं हुआ था तो आपने माइनस कर दिया था, बैंक भी जब माइनस करेगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम 8,000 का चेक आ रहा था, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ था, ठीक है, हो गया। अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, आपने चेक जमा करा पर क्लियर नहीं हुआ, जब तक उसमें पेमेंट नहीं कटी है, तो जब कट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपने पैसा बैंक में चेक दे दिया किसी को, उस बंदे ने जब चेक डिपॉजिट करा तो उसके बाद आपकी कैशबुक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो 1,500 रुपये ये हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो गया आपका तो आपके ऊपर पेमेंट आपको फिर से देना पड़ेगा ना, किसी ने अपने पेमेंट दिया वो डिसऑनर हो गया तो आपकी कैशबुक आपको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, 5,000। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक देखेंगे, क्रेडिट साइड 98,100 और आपका डेबिट आ जाएगा 90,100। एक चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहूँगा, एज पर एनसीईआरटी आंसर हमारा 1,03,600 आ रहा है बट इट इज़ करेक्ट इनकरेक्ट, हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा दैट विल बी 90,100। ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। ऑन दिसंबर 31, 2005 कैशबुक ऑफ मित्तल ब्रॉस, कैशबुक एज पर कैशबुक, जब उसने मित्तल कैशबुक के बारे में बात कर दी, बैलेंस इज एज पर कैशबुक एंड इट इज़ ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस बैलेंस, डेबिटेड बाय बैंक 20 and 50, ठीक है, चार्जेस हैं, डेबिटेड की बात करी गई है, आपके पास से पैसा कट रहा है, माइनस, चेक ड्रॉन बट नॉट येट इन कैश, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, 4,000 ये भी माइनस,
बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट एंड क्रेडिट 600 इन पासबुक, 600 बैंक में आपको पैसा ब्याज का आ गया तो आपकी कैश बुक भी उतनी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 6920 आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस था माइनस हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, डेबिटेड ओवरड्राफ्ट पे चार्जेस थे, कलेक्टिंग बिल के चार्जेस थे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट प्लस हो जाएगा, बैंक चार्जेस से इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ 600, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका पूरा फिर से सॉल्यूशन। ठीक है, अब टोटल माइनस इज कमिंग 13870 एंड ओवरड्राफ्ट इज 9270, जब आप इसको माइनस कर देंगे 13870 माइनस 4600, ठीक है, यू विल गेट 9270। ओके, ओवरड्राफ्ट वाज इन द बिगिनिंग फ्रॉम कैश बुक, सो हेयर इट विल बी फ्रॉम द पासबुक। ओके, सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।